मैं पहला सवाल छोटा सा एक डॉक्टर त्रिपाठी जी से लूंगा। डॉक्टर त्रिपाठी जी, आज आशीष मिश्रा को बेल मिली थी, वो रिजेक्ट हो गई है। तेजन सिंह विर्क उसी दुर्घटना में बुरी तरीके से घायल हुए थे, जिंदगी और मौत से जूझे, एक महीने बाद अस्पताल से छुट्टी मिली थी। पहली टक्कर तेजिंदर सिंह विर्क में मारी गई थी, जो हवा में उछले थे, किसान दाढ़ी वाले, जो बाद में पहचान हो पाई थी, वो थे तेजिंदर सिंह विर्क, जो मिट्टी में दबे रहे बहुत दिन, जिंदगी मौत से जूझते रहे। आज उसी आरोपी को बेल मिल जाती है चुनाव के दौरान, दो गवाहों पर हमला हो जाता है, और आज सुप्रीम कोर्ट बड़ी सख्त टिप्पणी करते हुए सरकार, हाई कोर्ट और सभी इन पूरे मामलात में शामिल पूरे समूह को जो इसमें शामिल है, सब पर टिप्पणी है। और वहीं जो प्रेम कुमार जी ने भी बताई बड़ी बात कि वकील जो किसानों के पक्ष के वकील हैं, उन्हें भी सुरक्षा की बात की गई है। शिव कुमार जी, सुप्रीम कोर्ट से जो देर से एक निर्णय लिया है, मेरा मानना है कि करीब 2 महीने 7 दिन हो गए जब हाई कोर्ट ने जमानत दी थी, और सुप्रीम कोर्ट चाहता तो संज्ञान लेके ये चीजें पहले ही सुनिश्चित कर सकता था। गवाह, वकील और पीड़ित, ये सारे लोगों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए, सबको सुरक्षा मुहैया कराई जाए। और एसकेएम जब वार्ता कर रहा था सरकार के साथ, और जब सरकार घुटनों पे थी, तो मेरा मानना था कि इस मुद्दे को रखा जाना था, लखीमपुर खीरी बड़ा मुद्दा था कि उनके परिवार को और उनके पीड़ित लोगों को, वकीलों को, गवाहों को समुचित सुरक्षा दी जाए, और ये हर हाल में सुनिश्चित किया जा सकता था। लेकिन जब हम समझौता कर लेते हैं एक बार, तो उसके बाद फिर केवल ये रहता है कि ठीक है, बयानबाजी तो हम करते रहेंगे। लेकिन अभी हालत ये है कि एक कहावत है ना कि पावर करप्ट बट एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्युटली। तो उत्तर प्रदेश में जहां की सरकार, पुलिस, सब के सब उस केंद्रीय मंत्री के बच्चे को, बेटे को बचाने में जुटे हों, वहां मेरा मानना है कि न्याय को खोद के निकालना पड़ेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट, सुनील भाई ने बड़ा अच्छा एक सवाल उठाया था कि अगर आप पोस्टमार्टम पर, एफआईआर पर जो बेसिक चीजें हैं उनको अप्रासंगिक मानने की बात अगर करते हैं, तो क्यों आप वहां से शुरुआत नहीं करते न्याय की? क्योंकि जो न्याय कोर्ट, आप जानते हैं, सबूतों के आधार पर फैसले देता है, लेकिन जब सबूतों में ही छेड़छाड़ शुरू से हुई है, पूरा पिरामिड जो तैयार है गलत तथ्यों पर तैयार है, तो मुझे नहीं लगता कि दोषी जो है वास्तव में सजा पाएगा और किसान परिवारों को न्याय मिलेगा। ये केवल पॉलिटिकल बैलेंस के लिए हो सकता है, हमको लगता हो कि न्याय की जीत हो रही है, लेकिन मेरा मानना है कि 8 हफ्ते 9 हफ्ते पर्याप्त होते हैं चीजों को मिटाने में और उसमें छेड़छाड़ करने में। यहाँ तो पूरी सरकार लगी हुई उस काम में। अब आशीष मिश्रा अंदर रहे या बाहर रहे, शिव कुमार जी, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। उनके लाखों हाथ जो हैं, आप समझ रहे हैं कि गवाहों को, हरदीप बी को किसने धमकाया था? उन्होंने नामजद रिपोर्ट की कि इन्होंने हमें धमकाया, मारा, पीटा, जान से मारने की धमकी दी, लेकिन पुलिस में, मीडिया ब्रीफ में, आसपास के लोगों के हवाले से कहा गया कि ये तो रोड रेज का मामला हो। तो उसे हल्का बनाने की कोशिश की जा रही है। तो जरूरत है संज्ञान लेने की। हम सभी किसान संगठन, हम सुनील कुमार जी की बात से बिल्कुल सहमत है, निश्चित रूप से केवल इस पे चर्चा नहीं करेंगे, हम सब इस पे संज्ञान भी लेंगे और कोशिश करेंगे कि अगर सरकार सुरक्षा नहीं दे पाती, न्याय की रक्षा नहीं दे पाती, तो हम किसान संगठन हाथ में लेके अपने गवाहों के परिवारों की सुरक्षा की कोई ना कोई व्यवस्था हम करेंगे। डॉक्टर साहब, मैं ये कहना चाह रहा था कि एक जेल से किसी भी जेल पे ले जाएं, लेकिन जो हमारे किसान साथी हैं, उनके मनोबल को जो तोड़ने की बात या दबाव डाल के कि भाई, जैसे अभी तेजेंद्र जी ने बताया कि आप गवाही फेवर में दे दीजिए, तो जब तक देश का होम मिनिस्टर, होम स्टेट मिनिस्टर मंत्री के पद पे रहेगा, तो साहब आप उसे देश के किसी भी की कोने के जेल में ले जाइए, ये तो दबाव तो रहेगा ही। तो सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट को सुनिश्चित करना चाहिए, न्याय की सुरक्षा अगर करना है, गवाहों की सुरक्षा करना है, और यहां तक कि जो आरोपी है
उनकी भी सुरक्षा जरूरी होती है। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले तो होम स्टेट मिनिस्टर को हटाना चाहिए इनको, वो जितना ज्यादा प्रभावित करने की स्थिति में है, सबसे ज्यादा इन चीजों को प्रभावित करने की स्थिति में तो वो है, सबसे पहले उनको हटाना चाहिए। डॉक्टर त्रिपाठी जी, डॉक्टर सुनीलम जी ने साफ कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास असीमित अधिकार है, जब हम कहीं सब जगह से जब हार चुके होते हैं न्याय व्यवस्था के लिए तब सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख करते हैं। शिव कुमार जी, यह प्रक्रिया है कि अगर कोई सांसद है तो सांसद को लिख के कोर्ट लिख के गाइड कर सकता है, गाइड मंगा सकता है। वास्तव में आपको ख्याल होगा जब हमारी कार्यपालिका ध्वस्त हो जाती है उस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ही है जो उसे टेक ओवर कर सकता है, उसे हमारे संविधान की रक्षा का अधिकार, संविधान भले संसद बनाती है लेकिन संविधान की रक्षा का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है, उसे रक्षा करनी चाहिए और उसकी टिप्पणी मायने रखती है। एक पल नैतिक अधिकार नहीं होगा किसी भी मंत्री को अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ऐसे व्यक्ति के हाथ में बागडोर नहीं होनी चाहिए। और ये अलग चीज है कि सरकार में कहावत आम है प्रेम कुमार जी कि सरकार में इस्तीफे नहीं होते, या नैतिकता नाम की चीज पे, नैतिकता के आधार पे इस्तीफे की बात करना, तो ये तो समझ लीजिए आकाश कुसुम की बात कर रहे हैं आप। एक भी उदाहरण दिखा दीजिए इसमें, जैसे शिव कुमार जी ने कहा एमजे अकबर को, एमजे अकबर को हमेशा इस बात का पछतावा होगा कि क्यों उन्होंने नैतिकता के आधार पे इस्तीफा दिया। तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है नैतिकता की, इसमें सुप्रीम कोर्ट के हाथ में चाबुक है और उसे चलाना चाहिए और लोगों के दिलों में न्याय व्यवस्था को लेके विश्वास फिर से कायम करना चाहिए। जी, आदरणीय प्रेम कुमार जी का, डॉक्टर सुनीलम जी का और डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जी का सबका बहुत बहुत आभार, आपने हमें बहुत छोटे समय में समय दिया।